पुष्पा मित्र समर्पित श्री प्रेम सिंह के समयाल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ, उसमें हमारे बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी थी। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जिसकी आप लोगों को मैंने कहा था ना कि आज एक प्रोग्राम रखा गया है हमारे घर में, तो ये प्रोग्राम इस तरीके से है कि जो भी शहीद हुए थे उन्हीं के उनके घर में झंडा रोहण करना है, झंडा लगाने के लिए जाना है। और अभी तो हमने झंडा रोहण कर लिया है और अभी प्रोग्राम के जो मेन गेस्ट आने वाले हैं वो अभी तक कोई भी पहुँचे नहीं है। अब मतलब गुड़ा मास से नीचे को आ रहे करके कॉल आया था, तो उसी के चक्कर में शुरुआत हमारे यहीं से हो रही है, हमारे घर से, क्योंकि मेरे जो चाचा जी थे वो भी आर्मी ऑफिसर थे और उसी में शहीद भी हुए थे चाचा जी मेरे। तो प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होके जिन जिन शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए उनके घर में जाना है और उन्हीं के घरों में झंडा रोहण करना है। सो गाइज, यहाँ पे मतलब यहाँ चाचा जी की फ़ोटो लगा दी गई है, दीपक जलाएंगे तो मिस यू चाचा जी। और यहाँ पे लोग अभी आना स्टार्ट हो रहे हैं, तो अभी पहुँचे नहीं है, वो भी पहुँच जाएंगे। और आप सभी लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, 15 अगस्त को होने वाला स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। सो अब मैं भी नीचे को जाता हूँ और फिर आप लोगों की मैं भी मदद करता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग आने वाले हैं, लगभग 10-20 के आसपास आएंगे। वो 10-20 आते हैं या 30 आते हैं कोई पता नहीं है, हम भी मदद करते हैं और हम भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे कि क्या प्रोग्राम हुआ आज। या सो गाइस, भीड़ ज़्यादा हो चुकी है, तो यहाँ नमकीन वमकीन कम पड़ रहे हैं, तो हम दुकान में लेने के लिए चलते हैं। सो गाइस, सेरा भाई की दुकान में आ गए हैं, हमने नमकीन ले लिया यहाँ पे, फटाफट इसमें डालते हैं। सो गाइस, सेरा भाई की दुकान से ले आए हम नमकीन, पहुँच भी चुके हैं, आ गए सभी लोग। जबकि हमें कहीं अलग टास्क दिया गया था। सब कुछ होने के बाद बहुत लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी। जिस प्रकार 1947 में 15 अगस्त के दिन हमारा देश आजाद हुआ, उसमें हमारे बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी थी, वो कुर्बानियां अभी तक थमी नहीं है, जैसा सब लोग जानते हैं। तो 26 जुलाई को
ऑपरेशन समाप्त हो गया, सारे पोस्ट हमारे कैप्चर जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके सारे कैप्चर कर लिए, तब जब 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया गया, सारे अपनी पोस्टें जितनी थी वो अपने अपने लोकेशन में आने लगे, और जो नए पोस्ट अप्लाई किए गए थे उनको अलग अलग यूनिटों को ऑक्यूपाई हैंड ओवर कर दिया गया। ये थी हमारी 1999 की लड़ाई। उसके बाद 2003 का 4 नवंबर का दिन था भाई, एक ऑपरेशन में था, अगले शाम बात हुई थी, तो बात होने के बाद ऑपरेशन में जाना था, अगले शाम की बात है, भाई से बात करी हुई, आपने कहा ऑपरेशन तो जाना ही था, उसके बाद 2-3 दिन के बाद छुट्टी भी आना था, लेकिन घर परिवार बाद में है एक सैनिक के लिए, देश उसके लिए सर्वोपरि है। उसी ऑपरेशन में भाई और उसके दो साथियों ने, 3 साथियों ने अपनी सदाकत की, तो भाई ने अपना नाम तो अमर कर लिया, पर मुझे भाई के इस सदाकत के लिए गर्व भी है, और मैं आज तक या जब तक रहूं तब तक भाई को भूल नहीं सकता, और इसी सदाकत के उस उपलक्ष्य में और आज जो पदयात्रा के लिए आप सभी लोग आए हैं, इसमें मेरे छोटे भाई ब्लॉक के अध्यक्ष बिशन सिंह बिश जी, गहलाकोटी जी, महेंद्र सिंह भोरा जी, कुंदन रोतेला जी, जिला पंचायत पूर्व जिला पंचायत नरेंद्र बनौला जी, महिपाल जी, दयानंद जी, बहादुर राम जी, नवयुक्त प्रधान जी, अपने नाम से तो नहीं जानता हूँ भैया, पाटनी जी, कुंदन रोतेला जी, जो बगल में भाई हैं, चलो अभी मैंने फिर बाद में परिचय हो जाएगा, बगल में सुंदर सिंह जी हैं, अन्य भाई हैं। सो गाइस, चाचा जी की जो प्रोग्राम था चाचा जी पे वो भी हो चुके हैं। सो आज का प्रोग्राम चाचा जी पे ही था हमारे, जो शहीद हो चुके हैं, अमर शहीद अमेर सिंह चमियान, मेरे चाचा जी का नाम, तो इन्हीं पे प्रोग्राम था, सभी पे प्रोग्राम था, जो जो शहीद हो चुके हैं उन्हीं पे, उन्हीं के लिए प्रोग्राम रखा गया था। तो शुरुआत हमारे गाँव से हुई, हमारे घर से हुई, और अब आज का ब्लॉग इससे आगे को बनाने का मेरा मन भी नहीं कर रहा है। आज के ब्लॉग गाइस यहाँ पे इन करता हूँ, आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, मिलता हूँ आपको कल को नेक्स्ट ब्लॉग में, मूड फ्रेश के साथ एकदम, वहीं चलते हैं, बाय।